हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। ये क्वेश्चन सीएसआर जून 2018 का है, कोड बी का क्वेश्चन नंबर 93। गिवन विलो आर द टाइप ऑफ वैक्सीनेशन इन कॉलम ए। द डिजीज और कंडीशन अगेंस्ट विच दिस वैक्सीनेशन टाइप आर यूज्ड इन कॉलम बी एंड द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस वैक्सीनेशन टाइप इन कॉलम सी। तीन कॉलम दिया है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। इसमें जो है वो वैक्सीन है, इसमें डिजीज है और इसमें उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है और ये ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहला कि आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के वैक्सीन होते हैं। लाइव एटीनेटेड होते हैं, किल्ड होते हैं, इनएक्टिवेटेड होते हैं, इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन होते हैं, किस किस तरह के डिजीज होते हैं, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, ये सारी चीज़ें जाननी है। और किस तरह के वैक्सीन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, जैसे किसी किसी वैक्सीन को स्टेबल रखने के लिए कोल्ड चेन का जरूरत पड़ता है, किसी किसी वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन नहीं चाहिए, किस तरह के वैक्सीन का अनटुवर्ड इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है, किस में कम होता है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होगी। तो एक नज़र इसको देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीनेशन मोड क्या होता है, वैक्सीनेशन टाइप, डिजीज टाइप और रिक्वायरमेंट ऑफ वैक्सीन क्या क्या होते हैं। ये चार चीज़ें मेनली वैक्सीनेशन में पढ़ना चाहिए। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है किसी पार्टिकुलर डिजीज के लिए। वैक्सीन एक एजेंट है जो रिसेम्बल हो सकता है, एकदम उसके जैसा होता है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं और ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसमें ज़्यादा डीप हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये एडवर्ड जेनर ने 1796 में कॉपॉक्स के अगेंस्ट में इसको यूज किया था और फिर 1885 में फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे लुइस पाश्चर एंड इमिल रॉक्स, जिन्होंने पहला वैक्सीन डेवलप किया रेबीज के अगेंस्ट में। प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिकुल्स में से इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन हो सकते हैं, कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं या रिकॉम्बिनेंट माइक्रोबियल एंटीजन ये सरफेस एंटीजन हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे वैक्सीनेशन टाइप का, तो ये पहला हो सकता है ये लाइव हो, एटीन्यूएटेड वैक्सीन हो, मतलब ये लिविंग तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा वीक होगा, ये डिजीज काउज नहीं कर सकता। दूसरा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है जो किल्ड होते हैं, सब यूनिट वैक्सीन होता है, टॉक्सवाइड वैक्सीन होता है, मतलब कि टॉक्सिन से टॉक्सवाइड बनाया जाता है, कंजुगेट वैक्सीन होते हैं, डीएनए वैक्सीन होते हैं और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन होते हैं, ये बिल्कुल मॉडर्न वैक्सीन हैं। अभी होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन में दो टाइप्स होते हैं, आइदर तो वो किल्ड होंगे, आइदर तो वो लाइव एटीन्यूएटेड होंगे। तो जो किल्ड होगा वो इनएक्टिवेटेड होगा, जैसे कि आपका वैक्सीन है उसको इनएक्टिवेट करने के लिए हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, हीट यूज कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी यूज कर सकते हैं या तो एंटीबायोटिक के द्वारा उसको किल्ड किया जा सकता है। दूसरा है लाइव एटीन्यूएटेड। कुछ वैक्सीन होल ऑर्गेनिज्म के होते हैं लेकिन वो लाइव तो होते हैं लेकिन इतना कमज़ोर होते हैं कि वेरी वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं वो। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एटीन्यूएशन, एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें। और लाइव एटीन्यूएटेड का केस ज़्यादातर वायरस के केस में होता है, इसके वायरुलेंट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाता है। लाइव एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म का हम लोग यूज करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए, ब्रॉड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन और टॉक्सवाइड। ये हमेशा बैक्टीरियल सिक्रीशन होता है, ये डिप्थेरिया बैक्टीरिया है, इसके द्वारा टॉक्सिन रिलीज होता है और इस टॉक्सिन को हम लोग मॉडिफाई करते हैं, मतलब टॉक्सवाइड में कन्वर्ट करते हैं। अदर तो हीट के द्वारा इनएक्टिवेट कर सकते हैं, केमिकल्स के द्वारा कर सकते हैं या अदर मेथड से, मतलब इस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करके टॉक्सवाइड में कन्वर्ट करते हैं, जो ना सिर्फ इसी के अगेंस्ट में बल्कि अदर बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी काम करता है। ये दो एग्जाम्पल है, जैसे कि बॉटुलिनम एंटीटॉक्सिन और डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन। आइए समझते हैं कि कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड वैक्सीन क्या है, कि कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड क्या है और ये वैक्सीन कैसे क्रिएट होता है। मान लीजिए कि ये आपका बॉडी है और ये आउटसाइड है। अब कोई पैथोजन अंदर आया, ये पैथोजन बॉडी में इंटर किया, आपका बॉडी में जो मैक्रोफेज हैं, फाइगोसाइटिक सेल जिसको कहते हैं, फाइगोसाइटिक सेल, तो ये क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इस पैथोजन को इनगल्फ कर जाएगा।
इनगल्फ कर जाएगा, मतलब ये अपने अंदर में उसको फैगोसाइटिक नेचर के कारण इनगल्फ कर जाएगा और ये इसको किल कर दिया। अब कुछ बैक्टीरिया में उसका जो कैप्सूल बना होता है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, पॉलीसेक्राइड, हाइड्रोफिलिक पॉलीसेक्राइड होते हैं। हाइड्रोफिलिक पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो एंटी फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, एंटी फैगोसाइटिक नेचर। अब जैसे ही ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में इंटर करता है, इस आपको जो माइक्रोफाज है या न्यूट्रोफिल है ये इसको इनगल्फ करना चाहेगा, लेकिन इसका जो कैप्सूल है वो कैसा है, एंटी फैगोसाइटिक नेचर, एंटी फैगोसाइटिक नेचर होने के कारण ये इसको इनगल्फ नहीं कर सकता। अब इसको रोकने का आपके पास दो कारण है, या तो इसके एंटी फैगोसाइटिक नेचर का जो कैप्सूल है इसको आप कोट कर दीजिए ताकि ये रिकॉग्नाइज करे और उसको इनगल्फ कर जाए। एक दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इसकी जो एबिलिटी है फैगोसाइटिक नेचर, जो इसका इनगल्फ करने की जो एबिलिटी आपका मैक्रोफाज का या न्यूट्रोफिल का, उसको इन्हांस कर दें। तो यही दो प्रोसेस जो है इसमें यूज किया जाता है इस तरह के वैक्सीन को तैयार करने में, इसको हम लोग कहते हैं कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड वैक्सीन। इस तरह के वैक्सीन का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो वैक्सीन आता है वो कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड वैक्सीन होता है। निमोनियोकोकल निमोनिया जो होता है ये तकरीबन 23 एंटीजेनिकली डिफरेंट कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड रखता है। एक और वैक्सीन है मल्टीवैलेंट सबयूनिट वैक्सीन, नाम से सबयूनिट यानी कि इसमें एक से अधिक है। पहला होता है सॉलिड मैट्रिक्स जिसमें कि एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और दूसरा होता है डिटर्जेंट टू प्रोटीन एंटीजन। अगले लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है कि लाइव एटीन्यूएटेड है ऑप्शन, दूसरा है इनएक्टिवेटेड और किल्ड, तीसरा है इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन। चलिए आपको इसके लिए कुछ क्लू देते हैं हम। ये डिजीज और पैथोजन है, ये सारे बैक्टीरियल सेल हैं, एंथ्रेक्स, कोलेरा, पर्ट्यूसिस, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइडा, ये होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन है और ये सभी इनएक्टिवेटेड हैं। सिर्फ दो जो है ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड का जो वैक्सीन होता है वो लाइव और एटीन्यूएटेड होता है। ये हो गया बैक्टीरिया के केस में। अगर वायरस के केस में देखेंगे तो हेपेटाइटिस ए इनएक्टिवेटेड होते हैं, इन्फ्लुएंजा इनएक्टिवेटेड होते हैं, रेबीज इनएक्टिवेटेड होते हैं, पोलियो साल्क वैक्सीन जो कि इनएक्टिवेटेड होता है, पोलियो जो सबीन होता है वो लाइव एटीन्यूएटेड होते हैं। आपके क्वेश्चन में तीन डिजीज है, रेबीज, मिसल्स, डिप्थेरिया। तो ये रेबीज और मिसल्स जो होते हैं ये दोनों आरएनए वायरस से होते हैं, मतलब ये वायरल डिजीज है और आरएनए वायरस से होते हैं, और डिप्थेरिया बैक्टीरियल डिजीज है। तो चूंकि बैक्टीरियल डिजीज है इसके लिए एंटीटॉक्सिन होगा, और टॉक्सिन हमारा ऑप्शन क्या है, इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन है, मतलब कि सी का मैच थर्ड से होगा, ये तो तय है। अब लाइव एटीन्यूएटेड और किल्ड, हम लोग जानते हैं कि रेबीज जो होता है वो इनएक्टिवेटेड होता है और किल्ड होता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं रेबीज इनएक्टिवेटेड होता है, मतलब बी का ऑप्शन है वन, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए का ऑप्शन होगा बी। ये तो हो गया ए और बी कॉलम का। अब सी कॉलम की अगर बात करेंगे, सी में तीन ऑप्शन है, स्ट्रांग इम्यून रिस्पॉन्स, ऑफन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी विथ ए फ्यू डोज। तो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो आप लाइफ लॉन्ग में एक बार लेते हैं। तो मेसल्स का वैक्सीन जो है वो ऐसा होता है जब आप 6 मंथ का होता है या 2 ईयर्स का होते हैं तभी इसका वैक्सीन लिया जाता है। तो ये मैच किया ए से टू, टू से एक्स। अब दूसरा है स्टेबल इम्यून रिस्पॉन्स, कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या है, कुछ ऐसे वैक्सीन होते हैं जिसको मेंटेन्स करने के लिए खास टेम्परेचर चाहिए होता है, उसी टेम्परेचर में जब हम उसको रखते हैं तो ये कोल्ड चेन में आता है। तो क्वेश्चन कहता है कि जिसमें कोल्ड चेन रिक्वायर नहीं हो, तो रेबीज का वैक्सीन होता है जिसमें कि उसको किसी खास टेम्परेचर पर रखने की जरूरत नहीं होता है, ये आपको आम दवाई की दुकान में भी मिलता है। तो रेबीज के वैक्सीन में कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए रेबीज में से एक में से आएगा वाई, तो यहाँ पे आएगा वाई। अब ऑब्वियसली तीन में अगर इसमें एक्स है इसमें वाई है तो इसमें क्या होगा, जेड होगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं, जेड कहता है चांस ऑफ अनटुवर्ड
इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन आर वेरी लो, मतलब इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ना के बराबर हो, तो ये होता है आपका डिप्थीरिया, क्योंकि ये टॉक्सिन है। और दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि लेस सक्सेसफुल इन इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, मतलब इसमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं होता, जैसे कि टिटनेस डिप्थीरिया हो गया, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं होता, आपको हर 3 महीने पे या 4 महीने पे एक बार लेना पड़ता है, अगर कहीं कील से चुभ गई या कुछ और कट गया तो उसके लिए टिटनेस का सुई लेते हैं हम लोग। तो 3 से मैच करेगा जेड, तो ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2 में, ए का 2X, B1Y एंड C3Z। पहला वैक्सीन है BCG का वैक्सीन, बेसिली कालमेटे गुआरिन, ये वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, यानी कि एटेन्यूएटेड है, एक्चुअल वीकेंड जर्म होते हैं इसमें, और ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा वैक्सीन है कोलेरा वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन किल्ड वैक्सीन होते हैं, मतलब कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाता है, ये कोलेरा के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा MMR, यानी कि MMR में मम्स वैक्सीन इसको कहते हैं, इसमें 3 डिजीज होते हैं, मम्स, मिसल्स एंड रूबेला, इस तीनों के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइव वैक्सीन होते हैं, वीकेंड होते हैं, एटीनेटेड होते हैं। इसके बाद है ओरल पोलियो वैक्सीन OPV, ये भी लाइव वैक्सीन होते हैं, इसमें बताया था आपको 2, एक सबीन होता है जो कि लाइव वैक्सीन होते हैं, और एक साल्क होता है जो कि किल्ड होता है या इनएक्टिवेटेड होता है। फर्स्ट डोज तब दिया जाता है जब बच्चे 3 महीने के होते हैं, और फिर दूसरा बूस्टर डोज जाता है जब बच्चे 1 साल के हो जाते हैं। इसके बाद है रूबेला वैक्सीन, अलग से आता है, ये लाइव वैक्सीन है, ये जर्मन मेसल्स और स्मॉल पॉक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक रूबेओला वैक्सीन आता है जो लाइव वैक्सीन है, और ये मेसल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टिटेनियो टॉक्सवाइड है, जो कि टॉक्सवाइड है मतलब बैक्टीरियल टॉक्सिन है, इसको टिटेनस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और टॉक्सवाइड सीरम है जिसको डिप्थीरिया के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी टॉक्सवाइड है। TAB टाइफाइड वैक्सीन होता है, टाइफाइड वैक्सीन जो होता है वो किल्ड वैक्सीन है, और इसको टाइफाइड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लास्ट है ट्रिपल एंटीजन DPT, DPT में 3 होते हैं, डिप्थीरिया, टिटेनस एंड हुपिंग कफ, यानी कि पर्टुएसिस। DPT स्टैंड फॉर द डिप्थेरिया पर्टुएसिस एंड टिटेनस, ये सभी टॉक्सवाइड है। कोल्ड चेन के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि वैक्सीन को मेंटेन करने के लिए जो है कोल्ड चेन का जरूरत होता है। इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक तो कोल्ड चेन है और दूसरा है रिजर्व कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन कहते हैं कि जब कोई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, जहाँ मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ से जहाँ यूज किया जाता है वहाँ तक ले जाने के लिए जो टेम्परेचर होता है उसको कहते हैं कोल्ड चेन। और रिजर्व कोल्ड चेन कहते हैं कि जब टेम्परेचर रिक्वायर होता है किसी पॉइंट से उसको कलेक्ट करके लेबोरेटरी तक ले जाने में, उसको हम लोग कहते हैं रिजर्व कोल्ड चेन। ये एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे अब पार्ट ए। सबसे पहले जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन देखेंगे, 10 ईयर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आर यू रेडी फॉर टेस्टिंग योर माइंड, और आर यू रेडी फॉर CSR 2009? इसको चेक करने के बाद एक ही तरीका है कि आप पेज 3 ज्वाइन करें, खुद से भी बना सकते हैं, कहीं ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत सारे कमेंट और रिक्वेस्ट हैं टेस्ट सीरीज को लेके। प्रिपरेशन करना और एग्जाम में परफॉर्म करना दोनों ही डिफरेंट बातें हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रेट स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करते हैं और वो प्रिपेयर्ड होते भी हैं, लेकिन कभी कभी उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है क्रैक नहीं हो पाता है। और इसी को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, कि उसका टाइम मैनेजमेंट हो सके, उसको एग्जाम में टाइमिंग लैक ना हो, इसके रेस्क्यू के लिए टेस्ट सीरीज काम में आता है। टेस्ट सीरीज ऐसा होना चाहिए जो कि आपको एक्चुअल एग्जाम के जैसा फीलिंग दे, और आपको ये बताएगा कि आप कितने तैयार हैं उसके लिए, आप प्रिपरेशन में कंप्लीट प्रिपेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसीलिए आपको एक ऐसा टेस्ट सीरीज चाहिए जो आपको हर तरह से मदद करे, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाए, एक एक क्वेश्चन को जो है वो एक्सप्लेन करे, 24 आवर अवेलेबल हो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके, मतलब कि आपका उससे गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन हो। अगर ऐसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बेटर और बेटर होते जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए कुछ साइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन टेस्टिंग होता है, जहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, जैसे कि बायोटेक्निका है और अदर साइट्स हैं। एक्चुअली मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में सोचा नहीं है, मैं बस बायोलॉजी का लेक्चर कंडक्ट करता हूँ। और जो सच बात है कि एक बेस्ट टेस्ट सीरीज तैयार करना, इसका मतलब कोई एक व्यक्ति इसको नहीं कर सकता इजीली।
क्योंकि इसमें 13 मॉड्यूल्स हैं, 13 मॉड्यूल्स में अलग अलग तरह के सब्जेक्ट हैं, एक व्यक्ति के बस की बात ये नहीं है। इसमें एक टीम मैनेजमेंट चाहिए, टीम मेंबर चाहिए एक बेस्ट टेस्ट सीरीज बनाने के लिए। तो आपके रिक्वेस्ट पे मैंने एक टेस्टिंग ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को जो है कंसल्ट किया, जो CSIR एस्पायरेंट के लिए टेस्ट सीरीज चलाता है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं है, उसका ऑनलाइन कोई ब्रांच अभी नहीं चलता है। इस टेस्ट सीरीज में मैं भी एक टीम मेंबर हूँ, मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें। इसीलिए अगर आप उस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे CSIR एस्पायरेंट, चूँकि आप कोडन वैल्यू से कनेक्टेड हैं, तो आपको प्रिविलेज दिया जाएगा उसमें। तो मैंने बात किया तो मुझे कुछ सजेशन उन्होंने दिए हैं, मैं आपको सेम टू सेम सजेशन वो शेयर करता हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर जो है उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, bioterratest@gmail.com, आप इस पर कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर जहाँ तक फी की बात है, अगर टेस्ट सीरीज है और अगर वहाँ पे टीम वर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा उस टीम का, टीम को मैनेज करने का। मैं आपको इस टेस्ट सीरीज का पैकेज समझा देता हूँ, मैं कॉस्ट के बारे में बात नहीं करूँगा, ये तो स्क्रीन पे है ही। पहला में 15 टेस्ट है, जिसमें 12 जो है वो चैप्टर वाइज टेस्ट है, 12 मॉड्यूल का टेस्ट है, और 3 जो है वो मॉक टेस्ट होंगे, पूरे सिलेबस से होंगे। अगर आप कोडन वैलोजी का रेफरेंस देके जाएंगे तो आपको बेनिफिट्स होगा। और दूसरे में है कि सिर्फ 15 मॉक टेस्ट है, मतलब कंप्लीट सिलेबस का मॉक टेस्ट है। और पैकेज 3 में जो है, अगर आप दोनों देना चाहते हैं, मतलब कि टोटल 30 टेस्ट अगर आप कंडक्ट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्रिविलेज है। मैं आपको बस बताता हूँ कि इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट क्या है। आपको बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे कि आपका पोटेंशियल CSIR जून के लिए कैसा है, कितना है, आप खुद को चेक कर पाएंगे। बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन का, जिससे आपका एक बार फिर से कंटेंट का रिवीजन हो जाएगा। और आप तो किसी समय क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं, ईमेल के थ्रू आप उसको ईमेल कर सकते हैं या मुझे भी कर सकते हैं। चूंकि बायोटेरा का कोई ऑनलाइन चैनल नहीं है, तो जो भी आपका क्वेश्चंस होंगे या कहीं डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल करेंगे, तो मैं ही उसका सॉल्यूशन जो है वीडियो के द्वारा अपलोड कर दूंगा। और जो खास बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब मैंडेटरी नहीं है, ये आपके मूड और डिजायर पे डिपेंड करता है। और मैं इस चैनल को मैसअप नहीं करना चाहता इन सब चीज़ों से, क्योंकि मुझे बस पढ़ाना आता है और मैं वीडियो लेक्चर ऐसे ही कंटिन्यूस चलाता रहूँगा। अब ये आपके मूड के ऊपर है, आपको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। दोनों ही स्थिति में आप बेहतर हैं, हम और आप मिलेंगे और आपका सिलेक्शन ज़रूर कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे पार्ट ए का, जनरल एबिलिटी के 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर आप भी CSIR का एस्पायरेंट हैं, आप बायोलॉजी से जुड़े हैं, तो जुड़िए हमसे कोडोन बायोलॉजी से यूट्यूब पर www.youtube.com/c/codonbiology। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं codonbiology@p.codonbiology@rabkr। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं कोडोन बायोलॉजी। आपको क्यों फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाना चाहिए? क्योंकि यूट्यूब में सिर्फ हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन हो, कुछ पिक्चर्स हो, कुछ PDF हो, तो यूट्यूब पे नहीं कर सकते एक्सचेंज। तो इसीलिए आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि वहाँ पर भी आप एक्सचेंज कर सकें, कुछ मटेरियल्स ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों।